नमस्कार दोस्तों, हथियारों के बाजार का कौन सा देश है नंबर वन और भारत की क्या पोजीशन है, इस वीडियो में ये सब जानेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध संकट के बीच अब कई देश हथियार खरीदने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि मौजूदा समय में हथियारों की खरीद और बिक्री करने के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 45 दिनों से जंग जारी है और इस बीच चीन ने अपने रक्षा बजट में 7.1% की वृद्धि कर $230 अरब करने का प्रस्ताव कर दिया है, जबकि रूस ने भी अपने रक्षा बजट को दोगुना कर दिया है। इस संकट के बाद ये कहा जा रहा है कि इटली, नीदरलैंड्स और स्पेन भी अपना रक्षा बजट बढ़ा सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का असर दुनिया में यह हुआ है कि हथियार बेचने वाली कंपनियों की बल्ले बल्ले हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध संकट के बीच अब कई देश और ज़्यादा हथियार खरीद सकते हैं, जिससे कि हथियार बेचने वाली कंपनियों की वैल्यू में उछाल आएगा जो इन देशों को हथियार सप्लाई करती हैं। इसके साथ ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में हथियारों की और मांग बढ़ेगी। अमेरिका का रक्षा बजट सबसे अधिक है। चीन भी रक्षा बजट के मामले में अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश करता है, मगर उसके बाद भी बहुत पीछे है। हालांकि चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में दूसरे नंबर पर ही है। चीन का रक्षा बजट अमेरिका के बजट का 1/4 के करीब है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2022 के लिए 768 अरब के रक्षा बजट को मंजूरी दी थी, जो 2021 के $740 अरब से $28 अरब ज़्यादा था। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत का रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पिछले साल में ये रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ था। तब हथियार बेचने के मामले भी अमेरिका सबसे आगे है। यानी कि इस स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के हथियार मार्केट की बात करें तो उसमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और चाइना का नंबर आता है। अमेरिका दुनिया भर में 37% हथियार बेचता है। दूसरे नंबर पर रूस आता है और दुनिया में उसकी हिस्सेदारी करीब 20% है। इसके बाद फ्रांस की हिस्सेदारी 8.3% है, जर्मनी की हिस्सेदारी 5.5% है और चाइना की हिस्सेदारी 5.2% है। लेकिन अगर खरीदारों की बात की जाए तो उसमें भारत दूसरे नंबर पर है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। ये नंबर खुश होने के लिए नहीं है। रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत विदेशी हथियारों को खरीदने में खर्च कर देता है। अब भारत को हथियार अपने देश में ही बनाने चाहिए। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़े खरीदारों में सऊदी अरेबिया नंबर वन है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर आता है। ग्लोबल वेपन्स मार्केट में सऊदी अरब 11%, भारत 9.5%, इजिप्ट 5.8%, ऑस्ट्रेलिया 5.1% और सबसे बड़े मजाक की बात तो यह है कि चीन भी 4.7% इस हथियार लेकर इन खरीदारों की लिस्ट में है। चाइना इकलौता ऐसा देश है जिसका नाम सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाले और सबसे ज़्यादा खरीदने वाले की लिस्ट में है। इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि चाइना जो हथियार दूसरे देशों से खरीदता है उन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता है। वो हथियार कम पैसे में एक्सपेरिमेंट के लिए पाकिस्तान जैसे देशों को फिर पकड़ा देता है।